हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। बैग बनाने के लिए दोनों कपड़े हमें एक ही नाप के लेने हैं। कपड़े का छोटा सा पीस लेना है। लंबाई लगभग 11.5 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। बुकरम या फोम का यूज आप कर सकते हैं। मेन फैब्रिक को मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम बैग की कटिंग करेंगे। दो बार हमें फोल्ड करना है कपड़े को। दो बार देखिए, कपड़ा मैंने 4 तह में रखा है। दो बार फोल्ड करेंगे तो कपड़े की 4 फोल्ड हो जाएगी। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड से, 1-1 इंच पर, और एक बॉक्स बना लेंगे 1x1 का। और ऊपर भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से गोलाई देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये गोलाई थोड़ी कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रही हूँ इसको। करीब 1.5 इंच पर आप निशान लगा कर गोलाई दे सकते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। दूसरे पार्ट के भी हम इसी नाप से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। इसमें हम जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर पर निशान लगाकर हल्का सा हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। जिप लगभग 9 इंच की है। इसे भी हम बीच से फोल्ड करके बीच में कट लगा लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। इस पर्स की हम इस तरह से सिलाई करेंगे कि इसमें अंदर भी कहीं कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो पहले जिप को हम पिन लगाकर सेट कर लेंगे। अब लाइनिंग वाला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम गोलाई में सिलाई करते जाएंगे और पिन को निकालते जाएंगे। ये देखिए, सिलाई हो गई है। यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे। जी, बीच में आ गई है। लाइनिंग वाला कपड़ा पीछे चला गया है। अब इसके ऊपर किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच चला लेनी है। अब जिप को हम दूसरे साइड लगाएंगे। तो उसी तरीके से सेंटर पे मार्क कर लीजिए और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। उसके बाद ऊपर से हम जिप के ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे और गोलाई में सिलाई कर लेंगे। अब लाइनिंग वाले कपड़े को ऊपर से रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और सिलाई कर लेंगे। देखिए, सिलाई हो गई है। अब जिप को खोलकर हम इसे सीधा कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमें जिप के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। बैक को उल्टा कर लेंगे। आप चाहे तो जो जिप खुली हुई है उसको सुई धागे से, जिप को मैंने सुई धागे से स्टिच कर लिया है जिससे सिलाई करने में आसानी हो। अब दोनों को एक साथ हम सीधा सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। लाइनिंग में मैंने यहाँ से थोड़ा सा खुला रखा है जिसे हम बाद में बैक को सीधा करेंगे और कॉर्नर को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। जो बॉक्स हमने बनाया था 1x1 का, उसको मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए, बैक का बेस बन गया है। अब जो खुला हुआ था उसी में से हम बैक को निकाल कर सीधा कर लेंगे। बैक को सीधा कर लेंगे और जो खुली हुई जगह थी लाइनिंग में उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, कपड़े के छोटे से टुकड़े से कितना प्यारा सुंदर सा पाउच बनकर तैयार हो गया है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।